नमस्कार, मी अरुण आणि आपण पाहत आहात 7 स्टार न्यूज। सलूनमधील मास्टर असणारे प्रख्यात ब्रँड जावेद हबीबी यांच्या हस्ते विट्यातील ब्रँचचा शुभारंभ उत्साहात आणि भव्य गर्दीत पार पडला। या कार्यक्रमास उत्तम पाटणकर, श्रीकांत पाटणकर, युवा नेते वैभवदादा पाटील आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते। यावेळी जावेद हबीबी यांनी विट्या शहरात आल्यानंतर मला खूप आनंद झाल्याचे सांगितले, तर प्रत्येकाने केसासंदर्भात कशा प्रकारे काळजी घेतली पाहिजे याबाबतही मार्गदर्शन केले। कार्यक्रमास लोकांनी चांगलीच गर्दी केली होती। आज मैं वीटा आया हूँ, अपनी सालों की ओपनिंग करने आया हूँ। और इनफैक्ट आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा, मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना था, लेकिन जब मैं यहाँ आया मुझे पता चला कि ये छोटे टाउन के अंदर भी लोगों की कितनी डिमांड है, लोग कितने अवेयर हैं और सब लोग अच्छे दिखना चाहते हैं। तो हम लोगों ने आज सालों खोला है और ये सालों खोला हमने सूर्या मॉल में खोला है। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर, हमारे वीटा के अंदर लोगों के बाल बहुत टूटते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बहुत सिंपल बोलता हूँ कि बालों को साफ रखिए। और बाल साफ कैसे रखेंगे? बाल साफ रखने का एक ही तरीका होता है, आपको बालों को शैम्पू करना पड़ेगा। और शैम्पू कैसे करेंगे? हमेशा बालों पे तेल लगा के। हम लोग क्या करते हैं, तेल बाद में लगाते हैं, बट मैं क्या बोलता हूँ, आपको तेल पहले लगाना चाहिए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे आपके बाल टूटने वाले नहीं है। वीटा का मेरा प्लानिंग क्या है, अभी सालों के बाद में मे बी मैं सोचता हूँ कि हमें यहाँ अकेडमी खोलनी चाहिए, बिकॉज बाल काटने का जो ये प्रोफेशन, इतना बड़ा प्रोफेशन है, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पाठशाला। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम मेरा क्या आने वाला है, शायद यहाँ पर मेरी अकेडमी आने वाली है। ठीक बात बोली। और ये जगह हमारी है सूर्या मॉल है, और मुझे लगता है कि ऐसी सालों शायद यहाँ खुली नहीं होगी, बिकॉज सालों की जो लुक होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो सालों में काम करने वाले लोग होते हैं वो बहुत जरूरी अच्छे होने चाहिए। और ये लोग कहाँ से आए? सारे हमारे स्कूल से आए हैं। तो हमारा इस प्रोफेशन का फ्यूचर क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन इन वीटा। ब्यूरो रिपोर्ट, 7 स्टार न्यूज, वीटा।